नमस्कार दोस्तों, IAS फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं, यानी आज 4 अक्टूबर 2020 का जो UPSC का GS पेपर फर्स्ट का PT का जो एग्ज़ाम हुआ, आज हम लोग उसके पेपर को देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चन के लेवल को समझेंगे। आइए देखते हैं, ये सी सेट है, ठीक है। आप वीडियो को स्लो करके भी एक एक क्वेश्चन पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। कृषि में फर्टिगेशन से के क्या लाभ हैं, सब ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन, देखिए कितना कन्फ्यूजन है। लेवल देख सकते हैं आप, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दोनों कथन है, तो दोनों में कौन सही आपको बताना है। अच्छा ठीक है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, मतलब आपको ना डीप स्टडी करना होगा अगर ये सब क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो लग रहा है कि सबका सब सही है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 क्वेश्चन होता है पूरा, ठीक है। 2 घंटे का समय होता है, फुल्ली ऑब्जेक्टिव है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, सबसे बड़ी बात। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, 1/3 का मतलब आप अगर 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 आपका सही क्वेश्चन का भी चले जाता है आंसर, ठीक है। ये उनका इंग्लिश पाठ रहा, सॉरी। भारत के मरु राष्ट्र उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत के इतिहास में संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रिफरेंस नंबर इंडियन डिजर्ट, ये उसका इंग्लिश पार्ट है, तो देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें भी यही है कि इन 3 ऑप्शन को पढ़ना है, जो सही रहेगा उस पर टिक करना है, ठीक है। निम्नलिखित बाघ आंतरिक क्षेत्रों के क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वाजनी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा गया है तो उसका तात्पर्य है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला कदुरा तथा चोल किसके लिए व्याख्यांत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका माप है। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फसल उत्कृष्ट प्राकृतिक की है, उनके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 5,500 मीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की अपसुपवाहित मुद्रा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता और उसकी अधिक के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है, यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गन्ने की खेती के वर्तमान प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों परंतु अनुकूल कृषि माना जाता है। भारत के संस्कृति ऐतिहासिक के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए।
भारतीय हाथियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरमिस, बेबेट, ग्रेचिंड, मानविट और हाइट्रेड स्ट्रॉट क्या है? भारत अनुप मृग बरसिंघा की उम्र अपजति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, इसके संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? इस्पात स्लिंग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? कौन से ऐसे सार्वजनिक संभव स्थान है जहाँ कस्तूरी मर्ग अपनी पर्वतीय आवास में मिल सकता है? राष्ट्रीय ग्रामीण निर्माण में पर्यावरण दिग्गज को दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिन्ह को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेती में बायोचार का उपयोग होता है। भारत में निम्नलिखित में से किन्हीं कृषि सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? भारत के फार्म के ब्याज व्याप्त अनुपात इंटरेस्ट कवरेज जैसे उपज का क्या महत्व है? हाल में ही बीते दिनों निम्नलिखित में से कौन से कार्य कौन सी नीतियां भारत के चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है? इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, आई होप, कंफर्म नहीं है लेकिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ के इसको देखिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बीच चारों देश G20 के सदस्य हैं? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन देशों के लिए कृषकों को आपातकालीन श्रम समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी कौन कहाँ जाकर मिलती है? वैसे कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाज दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राप्त खरीद भारत के किसी भी राज्य के अनुशासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंचता। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एकदम करंट का क्वेश्चन है, ये हाल का घटा हुआ घटना है किसान आंदोलन का। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किसके एक पदार्थ के श्रेणी से संबंधित है? भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय श्रेणी में सम्मिलित है? भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपयोगों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? व्यापार संबंधी निवेश उपायों TRIMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है?
भी आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? '91 के आर्थिक उदीकरण के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसको बढ़िया से देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि का हानि की भरपाई एवं अन्य लोगों के अतिरिक्त सामान्य निधि से कौन से लाभ दिए जाते हैं? कार्बन न्यूट्रोबो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। ये प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यात्री को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही है। कठिन प्रयोगों के संदर्भ किसे संदर्भित करता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में न्यूमोकोकल संयुग वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पदबंध किसे प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करता है? नीचे यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? यदि आप अपने बैंक को मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की संस्कृति इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी का आरंभ में नील का खेती का ह्रास हुआ? वेलेजली के कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव प्रजनन तकनीकी का अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रोकेंद्रित स्थानगर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? विकास के वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप कर सकती है? दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव का सही व्याख्या करता है?
भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ना कुछ उपवाद की उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित की परिभाषा बनाता है। संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश दिनकर की पुस्तक दशहर की स्थापना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इन समझौते के निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? पश्चता समुदाय के लोगों के लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बेटा प्रकाशित की गई है। भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रयत्न तथा संसद व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें इस तरह हमने देखा है 100 क्वेश्चंस आपको। मैंने जहाँ तक हो सका मैंने इसमें बताया, और आप जो है वीडियो को स्लो करके या फिर वीडियो रोक, कैसे भी वीडियो स्लो ही बनाया, वीडियो रोक करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।